एक ओर जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमाओं का अस्तित्व कम हो रहा है, जिसके कारण कई सिनेमाघर बंद होने की कगार पर हैं, ऐसे में इन सिनेमाघरों को आगे बढ़ाने एवं आम दर्शकों तक इसको पहुंचाने एवं इससे आम दर्शकों को जोड़ने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर की कंपनी आई नेक्स्ट डिजिटल सर्विसेज ने शो टाइम इन के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किया है, जहां वर्तमान सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के अलावा मल्टीप्लेक्स में लगी फिल्मों के बारे में जानकारी मौजूद है। शो टाइम इन के संस्थापक शुभांकर मित्रा ने इस विषय को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। धन्यवाद से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। मैं शुभांकर मित्रा, नेक्स्ट डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मकसद है शो टाइम ऐप। आप लोगों को हम बता दें कि धनबाद में और धनबाद के इर्द गिर्द जितने भी शहर हैं, सिंगल स्क्रीन थिएटर आप लोग जान रहे हैं, जैसे देशबंधु, रेड टॉकीज या पूजा टॉकीज, इसमें कौन सा मूवी चल रहा है या कौन सा शो चल रहा है, ये जानकारी किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। आज इसी का कारण है कि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स लगभग बंद होने के कगार पे हैं। तो आईनेक्स डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने एक बीड़ा उठाया है और हम लोगों ने एक पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, showtime.in। आगे मैं इसकी भी जानकारी दूंगा कि पब्लिक अपने नियरेस्ट सिनेमा घरों की जानकारी इस पोर्टल पर जा करके पता कर सकते हैं कि कौन से सिनेमा घर में कौन कौन सी मूवी चल रही है, मूवी का रिव्यूज कैसा है, क्या शो टाइमिंग है, अगर कुछ ऑफर्स उनके तरफ से दिया जा रहा है, बंडल टिकट, सीजन टिकट वगैरह का, तो वो पता कर सकते हैं। प्लस सिनेमा घर की प्रॉपर जानकारी, वो कहाँ पे है, उसके नंबर, जो कि अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं था। आज के डेट से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से showtime.in पे जाकर के कभी भी कहीं से भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ये लाइव है, पूरी तरह से लाइव है। प्लस इसका सोशल मीडिया हैंडल्स भी बना है, हम लोग इसको और भी प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर रहे हैं ताकि इसका फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठाएं और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स को इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इसका इकोनॉमिक पार्ट अगर बात करें, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, ना तो लिस्टिंग का कोई चार्ज लिया जा रहा है हमारे द्वारा, ना ही इस पे कोई ऑनबोर्डिंग चार्जेस है कि हमारे प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कोई मंथली रेंटल है, ना ईयरली रेंटल, किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। पूरी तरह से निःशुल्क सेवा हमारी कंपनी के द्वारा ये ऐप बना करके दिया गया है ताकि इसका फायदा डायरेक्टली यूजर्स को और सिनेमाघर के मालिकों को मिले। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, मैंने खुद सिनेमाघर के ओनर से बात की, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और इस ऐप का अगला वर्जन जो होगा, मतलब अगला वर्जन जो होगा वो है आउटडोर प्रोग्राम्स। जैसे आप लोग मीडिया से संबंधित लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, धनबाद में कई बड़े बड़े आयोजन होते हैं, सही बात है, छोटे आयोजन भी होते हैं, पब्लिक आयोजन भी होते हैं, उसकी जानकारी लोग कहाँ ढूंढेंगे कि जैसे सपोज कोई बहुत बड़ा नेशनल फेयर लग रहा है, उसमें एंट्री का टाइम क्या है, क्या कोई टिकट लगता है, या फिर कहाँ पे है वो, कब उसका स्टार्ट हुआ है, कब वो बंद होगा, जैसे 7 दिन है या 5 दिन का है, क्या उसमें कुछ ऑफर चल रहा है, ये सारा कुछ, मतलब एक पोर्टल बना है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन बना है शो टाइम के नाम से, जहां पे सिनेमा के अलावा पब्लिक प्रोग्राम्स की पूरी जानकारी अवेलेबल है। इसका एक मात्र मकसद यही है कि पब्लिक डोमेन तक पूरी तरह से ये जानकारी अवेलेबल है, पूरी तरह से निःशुल्क। बाकी आप लोग इसमें एक बात रखना चाह रहे हैं जी, कि सूचना अपेक्षा की जहां तक बात है कि मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के लिए कोई ऐसा आयोजन नहीं था सरकारी आयोजन, ये हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा एक आयोजन है जो कि पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई चार्जेस नहीं है। सरकार से एक आयोजन है कि जो भी मूलभूत जरूरतें हैं उनको सही से मुहैया कराया जाए और एक स्वस्थ माहौल बने और इंटरनेट की सुविधा जो कि एक इस ऐप का सबसे बड़ा मतलब आधार है, वो सही से लोगों तक उसका मजा लोग उठा सके, क्योंकि इसमें लोग मूवी का रिव्यूज देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, ट्रेलर्स देखेंगे, सारा कुछ इस पर अवेलेबल है। ये जो ऐप है इसमें आपको कुछ कुछ जैसे शॉर्ट वीडियो होता है उस टाइप का भी चलेगा? नहीं, ऐसा कोई शॉर्ट वीडियो नहीं चलेगा, इसमें कंप्लीट सिनेमा का जो ओरिजिनल प्रोमो है वो चलेगा, सिनेमाघर के द्वारा बात हो गई है। और दूसरा जो आउटडोर प्रोग्राम के जो भी होंगे
प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग, वेन्यू, टिकट अगर सिस्टम अवेलेबल होगा तो हम लोग आने वाले समय में उसका टिकट मुहैया कराएंगे। मूवी को लेकर और कुछ है पब्लिक के लिए और कुछ इसके अलावा और कुछ? हाँ, मूवी से संबंधित ही चीज है जिससे लोगों को मान के चलिए कभी कुछ सीजन टिकट लेना होता है, जैसे आप अपना कोई आयोजन कर रहे हैं तो आपको कोई सीजन टिकट या पूरा एक ग्रुप टिकट लेना रहता है तो उसके लिए ये इंक्वायरी वहां से कर सकते हैं, जिससे डायरेक्टली आप एज ए व्यूअर और होटल सॉरी मतलब थिएटर के मालिक से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि हमको सीजन टिकट चाहिए तो क्या लगेगा नहीं लगेगा, मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हमारा प्लेटफॉर्म जो है कनेक्ट कर रहा है। ऑनलाइन बुकिंग भी रहेगा? नहीं, अभी फिलहाल देखिए ऑनलाइन बुकिंग की कोई सुविधा इसमें नहीं है, ये जानकारी अवेलेबल है क्योंकि सिंगल स्क्रीन थिएटर्स के पास में ऐसी कोई सिंक सिस्टम नहीं है, वो अपना एक मैनुअल टिकट काटता है, जिसके कारण आने वाला समय में ये सिस्टम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल हो। नेशनल लेवल पे जिस तरीके का एप्लीकेशन आप लॉन्च किए हैं उस तरीके के एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं, खासकर सिनेमा की बात करें जस्ट लाइक बुक माई शो हुआ या फिर पेटीएम जो है वो मूवी का इन्फॉर्मेशन और टिकटिंग अवेलेबल करवाती है, तो ये शो टाइम उससे किस प्रकार अलग है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी मैं बता दूं कि जैसे पेटीएम ऐसा कोई ऐप नहीं है, पेटीएम बहुत सारी चीजों को लेकर के मार्केट पे है, तो पेटीएम में लोगों को जाने से पहले बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करें नहीं, सिंक सिस्टम नहीं है, वो अपना एक मैनुअल टिकट काटता है, जिसके कारण आने वाला समय में ये सिस्टम हम लोग प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल हो। नेशनल लेवल पे जिस तरीके का एप्लीकेशन आप लॉन्च किए हैं उस तरीके के एप्लीकेशन ऑलरेडी हैं, खासकर सिनेमा की बात करें जस्ट लाइक बुक माई शो हुआ या फिर पेटीएम जो है वो मूवी का इन्फॉर्मेशन और टिकटिंग अवेलेबल करवाती है, तो ये शो टाइम उससे किस प्रकार अलग है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी मैं बता दूं कि जैसे पेटीएम ऐसा कोई ऐप नहीं है, पेटीएम बहुत सारी चीजों को लेकर के मार्केट पे है, तो पेटीएम में लोगों को जाने से पहले बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या करें नहीं करें, कोई डेडिकेटेड ऐप नहीं है। हाँ, वही एक बुक माई शो है, बुक माई शो सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुक करता है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आज मैं पूरी जानकारी के साथ ये कह सकता हूँ कि आप अपने सबके हाथ में गूगल है, आप चेक करके बता सकते हैं कि देशबंधु सिनेमा में कौन सा मूवी चल रहा है, सारे लोग गूगल से जुड़े हो। कोई सिस्टम है क्या? नहीं, बता दीजिए पूजा टाइम को चल रहा है या नहीं चल रहा है। श्री प्लाजा पूरी तरह से एसी है, मैं बता सकता हूँ आईनॉक्स से ज्यादा फैसिलिटी श्री प्लाजा हरना में दिया जा रहा है, हरना में स्वास्थ्य भी अच्छा फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन लोगों को जानकारी यार पता नहीं है, लोगों को एक कॉन्सेप्ट है कि वही अच्छा है। मैंने सामने से देखा है कि बहुत सारे सिनेमा हॉल सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने अपना इंटीरियर काफी अच्छा किया है, लेकिन फिर भी लोग वहां नहीं जाते, क्योंकि लोग जब जाने का प्लानिंग करते हैं सोचते हैं कैसा है, नहीं है, माहौल अच्छा नहीं होगा, और लोग बैठते हैं अंदर कैसा होगा, गर्मी लगेगा, सिंगल स्क्रीन लोगों के दिमाग में अभी भी वही है कि भाई नॉन एसी है दिक्कत है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ ऐसा नहीं है, ताकि कॉन्सेप्ट चेंज हो लोगों का। मूवी देखना है ना KGF, आप KGF अभी चल रही है सारे स्क्रीन पे, आप जाकर के देखिए, मेरा ये मानना है कि लगभग सेम मजा आपको सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में भी मिलेगा, और ये जानकारी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। ठीक है सर, अपना परिचय दे। मेरा नाम शुभांकर मित्रा है, आईनेक्स डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ, और अंतिम में मैं एक बात करूँगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म है और लोग इससे जुड़ेंगे। लोग इसका ऑनलाइन पोर्टल है अभी, और इसका सोशल मीडिया हैंडल है, ये पूरी तरह से वेब ऐप है, कुछ दिन में ये गूगल प्ले स्टोर।